योग से होती ज्ञान की वृद्धि, योग ही करता मन की शुद्धि। श्रीमद् भागवत गीता अमृतवाणी की यह पंक्ति योग के उन परिणामों की चर्चा करती है जिससे मनुष्य अपनी बुद्धि के ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करके मन को पवित्र बनाता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बनाया गया यह वीडियो, जिसमें हम भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्राप्त सामान्य योग अभ्यासक्रम का अभ्यास करेंगे। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर्व का आयोजन सामूहिक स्तर पर ना करके आप सभी के अपने अपने घरों में ही किया जाएगा। इस वीडियो में हम सामान्य योग अभ्यास क्रम का प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखकर आप अभ्यासों के प्रदर्शन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ में अभ्यास भी कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल अभ्यासों का प्रदर्शन करके आपको दिखाया जाएगा, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। अभ्यासों से संबंधित अन्य जानकारियों के संबंध में जानने के लिए उस योग अभ्यास क्रम की मूल पुस्तक का अध्ययन करें। वह पुस्तक आपको इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती है, या फिर हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में उस पुस्तक को आप हमें ईमेल करके बहुत ही सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अभ्यास आरंभ करते हैं। अपने स्थान पर किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्ध आसन, अर्ध पद्मासन, पद्म आसन आदि आदि। पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद। कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते रहेंगे। मन में इस विचार को कई बार दोहराएंगे, अब मैं योग अभ्यास करने जा रहा हूँ, अब मैं योग अभ्यास करने जा रही हूँ। प्रार्थना से अभ्यास को आरंभ करेंगे। लंबा सांस भरेंगे। संगच्छद्वं संवदत्वं संवो मनासि जानतां देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संगच्छद्वं संवदत्वं संवो मनासि जानतां देवा भाग्यं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। शान्तिः शान्तिः। पहली क्रिया ग्रीवाचालन क्रिया, जिसके चार अभ्यास हैं। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों पैर मिले हुए, कोहनियाँ सीधी। दो से तीन लंबे गहरे सांस भरेंगे। हाथों को कमर के ऊपर रखेंगे, गर्दन सीधी, सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएंगे और ठुड्डी को कंठकूप से स्पर्श करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस
सांस छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। इस अभ्यास को दो बार और दोहराएंगे। दूसरा अभ्यास, लंबा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को अपने दाईं ओर झुका देंगे, दाएं कान को कंधे के नज़दीक लेकर जाएंगे। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे। इस अभ्यास को दो दो बार और करेंगे। तीसरा अभ्यास, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को अपने दाईं ओर मोड़ेंगे, सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे। इस अभ्यास को दो दो बार और करेंगे। चौथा अभ्यास, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे, सांस भरते हुए घड़ी की दिशा में गोलाकार घुमाएंगे गर्दन को, सांस छोड़ते हुए वापस आगे चारों तरफ से गर्दन को घुमाते हुए अब इस अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को दो बार और करेंगे, गोलाकार और विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में और विपरीत दिशा में। हाथों को नीचे लेकर जाएंगे, दो से तीन लंबे सांस भरेंगे। दूसरी क्रिया, स्कंद चालन क्रिया। इसके दो अभ्यास हैं। पहला अभ्यास, स्कंद खिंचाव, पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, कोहनियाँ सीधी। सांस भरते हुए साइड से हाथों को खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सांस भरते रहेंगे, कोहनियाँ सीधी, हथेलियों का रुख बाहर की ओर, हाथ को ऊपर खींचेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे। पुनः लंबा सांस भरते हुए ऊपर की ओर, पूरा शरीर ऊपर की ओर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। जब नीचे आएंगे हथेलियों को जंघाओं से स्पर्श नहीं करेंगे। इस अभ्यास को तीन बार और करेंगे, कुल पांच बार। स्कंद क्रिया, दूसरा अभ्यास, स्कंद चक्र। सांस भरते हुए साइड से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, कंधों की बराबर, दोनों कोहनियाँ मोड़कर उंगलियों को कंधों के ऊपर रखेंगे, गर्दन सीधी। सांस भरते हुए पीछे से आगे की ओर गोलाकार घुमाएंगे, ऊपर से नीचे जाते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस अभ्यास को विपरीत दिशा से भी करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। जब आगे की ओर आएंगे तो दोनों कोहनियों को आपस में स्पर्श करेंगे। इस अभ्यास को दोनों तरफ से पांच पांच बार करेंगे और वापस आ जाएंगे। तीसरा अभ्यास, कटी चालन क्रिया। दोनों पैरों में दो से तीन फीट का फासला देंगे। पीठ गर्दन सीधी, सांस भरते हुए कोहनियाँ सीधी रखते हुए सामने से खींचते हुए हाथों को वक्ष स्थल के समक्ष लेकर जाएंगे। हाथों में कंधों के बराबर फासला, सांस बाहर छोड़ते हुए अपने दाईं ओर कटी कमर वाले क्षेत्र से शरीर को मोड़ेंगे। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधे और वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को तीन बार कुल करेंगे, दो बार और दोहराएंगे। चौथा अभ्यास, घुटना चालन क्रिया। दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे या फिर कंधों के बराबर फासला देंगे। सांस भरते हुए हाथों को सामने लेकर जाएंगे, हथेलियों का रुख ज़मीन की ओर। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों घुटने मोड़ेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे,
ऊपर और हाथ नीचे। इस अभ्यास को कुल 3 बार करेंगे। अब आसनों का अभ्यास है। आसनों की श्रेणी में पहले खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल और फिर अंत में पीठ के बल करने वाले आसनों का निर्देश दिया गया है। खड़े होकर करने वाला सबसे पहला आसन ताड़ आसन। इस आसन को करने के लिए अपने स्थान पर दोनों पैरों में लगभग 2 इंच का फासला देंगे। पीठ गर्दन सीधी, कोहनियाँ सीधी, हाथ साइड में जंघाओं के ऊपर। 2 से 3 लंबे गहरे सांस भरेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे, नीचे खींचेंगे। सांस भरते हुए सामने खींचेंगे और सांस भरते हुए गर्दन सीधी रखते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, कोहनियाँ सीधी, शरीर ऊपर की ओर खिंचा हुआ। कुछ देर तक इसी प्रकार से स्थिर करके रखेंगे शरीर को और फिर धीरे धीरे साइड से हाथ वापस। हर आसन में 15 से 30 सेकंड तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। जितनी भी देर आसन में रुके रहेंगे, सांसों की गति हर आसन में सामान्य रूप से चलती रहेगी। आसन में जाते समय और वापस सामान्य स्थिति में आते समय सांस भरेंगे या छोड़ेंगे जैसा आसन का निर्देश होगा। जितनी भी देर आसन में रुके रहेंगे, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी।
भद्र आसन। दोनों पैर के तलवों को आपस में मिलाएंगे, घुटने मोड़ते हुए एड़ियों को शरीर के पास लेकर जाएंगे। पीठ गर्दन सीधी, दोनों हाथों की उंगलियों से इस प्रकार पैर के पंजों को पकड़ लेंगे। घुटनों को लगातार नीचे की ओर दबाते रहेंगे, कोहनियाँ सीधी। इस स्थिति में कुछ देर तक रोक कर रखेंगे, जैसा कि आरंभ में निर्देश दिया गया था। प्रति एक आसन में 15 से 30 सेकंड तक स्थिर रखेंगे। शरीर को और सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। जितने भी आसन इस अभ्यास क्रम में बताए जा रहे हैं, उन सभी आसनों के ऊपर एक अलग से विशेष वीडियो बनाया गया है। उन सभी आसनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर प्रति एक आसन और आने वाली सांसों की क्रियाएं, प्राणायाम का लिंक वहाँ से प्राप्त करके सभी अभ्यासों की पूर्ण जानकारी, लाभ, विधि, सावधानियाँ, प्रभाव, सीमाएं, सबके संदर्भ में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आसन करेंगे वज्र आसन। वज्र आसन के लिए पहले दंड आसन में आ जाएंगे, घुटनों को सीधा कर देंगे। दंड आसन में आने के बाद वज्र आसन में आने के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे और दाईं ओर से इसे नितंब के नीचे रखेंगे। बाएं घुटने को मोड़ेंगे और उसे बाईं ओर नितंब के नीचे रखेंगे। हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, पीठ गर्दन सीधी, पीछे से पैर के अंगूठे मिले रहेंगे और एड़ियां नितंब के नीचे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। तीसरा आसन उष्ट्र आसन। उष्ट्र आसन में आने के लिए पहले दंड आसन में आएंगे। दंड आसन में वज्र आसन से आने के लिए दाएं घुटने को दाईं ओर से सामने लेकर जाएंगे, जिस प्रकार आसन में आए थे। शरीर को पहले थोड़ा सा बाईं ओर झुकाकर दाएं घुटने को सीधा करेंगे दाईं ओर से। दाईं ओर शरीर को झुकाकर बाएं घुटने को बाईं ओर से सीधा करेंगे। अब यहाँ से उष्ट्र आसन में आने के लिए दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे। पीछे से दोनों पैर मिलाकर रखेंगे, गर्दन सीधी। अब सांस भरते हुए अपने दाएं हाथ को गोलाकार घुमाते हुए दाईं हथेली को दाएं पैर के तलवे पर रखेंगे और उसके बाद बाएं हाथ को गोलाकार घुमाते हुए बाईं हथेली को बाएं पैर के तलवे के ऊपर रखेंगे। गर्दन पीछे, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसके बाद अगला आसन शशांक आसन। शशांक आसन के अभ्यास के लिए पहले वज्रासन में आएंगे, दोनों पांव के अंगूठे को पीछे से मिलाकर रखेंगे, आगे से दोनों घुटनों में जितना फासला दे पाएं उतना फासला दे देंगे। दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में जमीन पर रखेंगे, लंबा सांस भरेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए कोहनियाँ सीधी रखते हुए हाथ को बाहर की ओर खींचेंगे, शरीर को आगे झुकाते हुए ठुड्डी को जमीन से स्पर्श करेंगे। शशांक आसन।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए पहले वज्रासन में आ जाएंगे। उत्तान मंडूक आसन के अभ्यास के लिए पीछे से दोनों पांवों के अंगूठों को मिलाकर रखेंगे, आगे से दोनों घुटनों में फासला दे देंगे, जितना सहज रूप से दे पाए। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, अपने दाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे, दाएं कोहनी को मोड़कर दाएं हाथ को बाईं ओर कंधे की पीछे वाली हड्डी के ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और दाईं ओर इस प्रकार से रखेंगे। शुरुआत में थोड़ी सी गर्दन आगे झुका देंगे, इसके बाद गर्दन को सीधा रखेंगे। धीरे धीरे वापस। अब इसी अभ्यास को एक बार दोबारा करेंगे। पहले अब बायां हाथ पहले लेकर जाएंगे, दाएं हाथ को इसके ऊपर बाद में रखेंगे। अगला अभ्यास वक्र आसन। वक्र आसन के अभ्यास के लिए पहले दंड आसन में आ जाएंगे। वज्रासन, अब दंड आसन। वक्र आसन के अभ्यास के लिए अपने दाएं घुटने को मोड़ेंगे, एड़ी को शरीर के नज़दीक लेकर जाएंगे, दाएं हाथ को पीछे रखेंगे ज़मीन पर कोहनी सीधी, अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के दाईं ओर से घुमाते हुए बाईं ओर पीछे की ओर लेकर जाएंगे, हाथ से बाएं पैर के घुटने को या फिर दाएं पैर
सांस बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। घुटने सीधे, पीठ के बल किया जाने वाला अगला आसन उत्तान पाद आसन। इस आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैर मिलाएंगे, पंजों को बाहर खींचेंगे, कोहनियां सीधी, हाथों को जमीन पर दबाएंगे। सांस को भरते हुए दोनों पैरों को जमीन से ऊपर उठाएंगे 30 से 45 डिग्री के बीच में। धीरे धीरे वापस। शरीर को शिथिल छोड़ेंगे। इसके बाद पीठ के बल किया जाने वाला अगला आसन अर्धहल आसन। अर्धहल आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैर मिलाएंगे, कोहनियां सीधी, हाथ जमीन पर दबाएंगे, पंजों को बाहर खींचेंगे। सांस भरते हुए एक साथ दोनों पैर 90 डिग्री पर लेकर जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अगला आसन पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ेंगे, घुटनों को छाती के पास लेकर जाएंगे, हाथों से पकड़ेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, पंजे बाहर, सांस भरेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए गर्दन को जमीन से ऊपर उठाएंगे और नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लेकर जाएंगे। धीरे धीरे सिर नीचे, घुटने सीधे, इसके बाद अंत में शव आसन का अभ्यास करेंगे। शव आसन के अभ्यास के लिए हाथों में और पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला देंगे। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, शरीर के प्रति एक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। आंखें कोमलता से बंद, शरीर के किसी भी अंग में कोई भी हलचल ना हो, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। पांव के तलवों से लेकर सर की चोटी तक शरीर का प्रति एक अंग बिल्कुल ढीला होते जाए। धीरे धीरे सांस शरीर के भीतर जाए, धीरे धीरे सांस शरीर से बाहर। शरीर को और ढीला छोड़ते जाएंगे। समस्त मांसपेशियां, सभी अंग पांव के तलवों से लेकर सर की चोटी तक बिल्कुल शिथिल, शरीर को और ढीला छोड़ते जाएंगे। और अब धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करेंगे। गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। दोनों पैर मिलाएंगे। धीरे धीरे अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएंगे। किसी एक आसन में बैठ जाएंगे। अर्धपद्मासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्ध आसन। आरामदायक स्थिति का चयन करेंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में या फिर अंजलि मुद्रा में इस प्रकार से रखेंगे। पीठ गर्दन सीधी रहे। पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति के 3 चक्र
अभ्यास करेंगे। प्रति एक चक्र में 30 से 40 बार तक पेट को अंदर और सांस को बाहर छोड़ेंगे। लंबा सांस भरेंगे, पहला चक्र आरंभ करेंगे। आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। इस प्रकार से कपालभाति के दो चक्र और करेंगे। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की नासा अग्र मुद्रा बनाएंगे, नासिका के पास लेकर जाएंगे। लंबा सांस भरेंगे, दोनों नासिका से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अंगूठे से दाई नासिका बंद करते हुए बाईं ओर से सांस भरेंगे। अनामिका उंगली से बाईं नासिका बंद करेंगे, अंगूठा हटाते हुए दाईं ओर से सांस बाहर, दाईं ओर से ही सांस भरेंगे। दाएं अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करते हुए अनामिका उंगली हटाएंगे, बाईं ओर से सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह अनुलोम विलोम अभ्यास का एक चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार के 5 चक्र अभ्यास करेंगे। इसके बाद अगला अभ्यास शीतली। शीतली अभ्यास के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, इसको गोलाकार आकृति देंगे और इसके भीतर से धीरे धीरे सांस शरीर के भीतर लेकर जाएंगे। सांस शरीर के भीतर लेकर जाने के बाद नासिका के द्वारा सांस को शरीर से बाहर छोड़ देंगे। एक बार अभ्यास को देखेंगे। इस प्रकार से यह एक चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार के 5 चक्र अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास और अंतिम सांसों का अभ्यास भ्रामरी। भ्रामरी अभ्यास 3 बार मुद्रा रहित और 3 बार मुद्रा सहित करेंगे। इस अभ्यास को 3-3 बार हम पूरा दोहराएंगे। आंखें कोमलता से बंद, पीठ गर्दन सीधी, लंबा सांस भरेंगे। अब इस अभ्यास को 3 बार षणमुखी मुद्रा बनाकर करेंगे।
हाथों को ज्ञान मुद्रा में या अंजलि मुद्रा में लेकर आएंगे। आंखें बंद रखकर इसी प्रकार से कुछ देर शरीर को स्थिर करके बैठे रहेंगे। कुछ देर ध्यान का अभ्यास करेंगे। शरीर किसी मूर्ति की भांति बिल्कुल स्थिर रहे। सारा ध्यान सांसों पर, हर आ रहे और जा रहे सांस के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहेंगे। जो सांस नासिका के द्वारा शरीर के भीतर जा रहा है और वही सांस नासिका के द्वारा शरीर से बाहर जा रहा है। हर आ रहे और जा रहे सांस को पूर्ण जागरूकता के साथ देखते रहेंगे और सांसों को अनुभव करेंगे। नासिका से जो सांस शरीर के भीतर जा रहा है वह कंठकूप को पार करके फेफड़ों के रास्ते शरीर के और भीतर गहराइयों तक अनुभव हो रहा है और वही सांस शरीर के भीतर से कंठकूप को पार करके नासिका के रास्ते शरीर से बाहर जा रहा है। कुछ समय आ रहे और जा रहे सांसों को देखते रहेंगे। अब संकल्प लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति ही, शांति ही, शांति।